एंड सिकंदर, आई थिंक बहुत सारे लोग अभी भी मैसेज भी हमें करते हैं, सवाल भी पूछते हैं, दे वांट टू नो कि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग, राशिद आपसे भी हम बाद में पूछेंगे इसके, व्हाट रियली वाज हैपनिंग विद ऑस्ट्रेलियन बैटिंग? वैसे बिग नेम्स बट कोई रेजिस्टेंस मज़े की नहीं आई इस वाले मैच में, और लास्ट मैच में भी बैटिंग उनकी शेकी थी। देखो जो शॉट लड़का है ना जिसने 19 रन किए थे, हाँ, वो उसने पहली ओवर में 3 चौके मारे उसको नसीम शाह को, तो वो दिखा रहे थे कि उसका फुटवर्क ही नहीं था, यानी कि वो उसके दोनों पैर अपनी जगह पे खड़े हुए थे, और एक गेंद उसको शॉट मिला, उसने स्क्वायर कट मारा, फिर उसी जगह पैर खड़े हुए थे, उसने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की, तो बैक फुट पे उसने स्क्वायर शॉट खेला, फिर उसी जगह पे पैर रखे, तो उनका ये जो दोनों ओपनर्स हैं मुझे बहुत ही ज्यादा वो नहीं लग रहे टेक्निकली सॉलिड, तो ये चलाने वाले हैं। और उनका जो सबसे बड़ा फॉल्ट इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है कि वो इंग्लैंड वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। ये अगर पाकिस्तान का जैसे पिछले मैच में 200 रन का टारगेट था, वो आराम से खेलते और खेल के जीत जाते, होगा नहीं हम तो खेलेंगे अपने स्टाइल से, तो उन्होंने जब स्टाइल से खेलना शुरू किया तो उन्होंने चांसेस दिए, तो फिर हमने पकड़े और उनको 200 के रन पे भी हमने उनको फंसा लिया था। तो ये उनकी जो बैटिंग का जो फॉल्ट चल रहा है वो ये चल रहा है। दूसरा ये कि कुछ लड़के उनके खेल भी नहीं रहे, जो उनके इम्पोर्टेंट लड़के हैं ना, तो वो जिसकी वजह से जो है मार्च नहीं खेल रहा उनका, तो उसके वजह से बड़ा थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि जो दोनों ओपनर्स हैं इनके ऑस्ट्रेलियन, वो दोनों इतने मजेदार नहीं है। ये T20 के ओपनर्स हैं, ये जो है शायद हो सकता है ODI के लिए अच्छे ना हो,